नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पब्लिक साथ भास्कर पोखरियाल। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज पूरे जनपद उधम सिंह नगर में भी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के भगवाड़ा स्थित जिला कार्यालय में यह आयोजन हुआ और इस आयोजन के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति और नीति भी बताई। वहीं पार्टी के आगे की योजना कैसे होगी इस पर भी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को बड़ी गंभीरता से सुना। नीतियों के तहत चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। यह चर्चा भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी आज सुनी गई। इस दौरान सुबह 9 बजे से ही भाजपा के कार्यकर्ता जिला कार्यालय में पहुंचने शुरू हो गए और इसके बाद 40 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जिसको कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी गंभीरता से सुना। प्रमुख रूप से यहां पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तम दत्ता सहित तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। वहीं भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और वरिष्ठ नेता भारत भूषण चुग भी इस दौरान उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एक नज़र भाजपा के जिला कार्यालय की स्थापना दिवस पर। कमल जिंदल जी, वर्तमान में आप उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष के पद पर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इस पर आप पूरे जिले और प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के दिन 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और पार्टी किन परिस्थितियों में आगे बढ़ी है, कितनी छोटी सी होकर आज दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हुई है। तो आज के दिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक तो आज के दिन की मैं बधाई देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि आज के दिन हम सब संकल्प लें कि हमको भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी बनानी है और 2024 में फिर से जो विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री बनाना है और जनता के दिलों को भी हम सबको जीतना है। भारत भूषण चुग जी, आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आपके पास जिला स्तर से लेकर के कई बड़े पद रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इस पर आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज मैं पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे जिले की जनता को, क्षेत्र की जनता को आज 6 अप्रैल जो हमारा 43वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए सभी अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को और जो दिवंगत भी हो गए हैं जिन्होंने इस पार्टी के लिए संघर्ष किया जमीन से लेकर ऊपर तक, उनको मैं आज नमन भी करना चाहूँगा कि उनकी मेहनत से हम लोग आज तक यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आज पूरे विश्व की, देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा है। और आज बड़ा ही शुभ दिन भी है, आज पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मदिन भी है, तो हमारे लिए उनका आशीर्वाद भी आज हमें प्राप्त हो रहा है, तो आज बड़ा शुभ कार्य है। और अभी अभी हमने माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को तो पार्टी को तो आगे ले गए हैं, देश को भी पूरा विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है, उनका मार्गदर्शन भी अभी मीडिया के माध्यम से प्राप्त किया। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत आज भारतीय जनता पार्टी की और हनुमान जी के जन्मदिवस की बधाई देता हूँ। यहाँ के सब कार्यकर्ता बंधु हैं और यहाँ जनप्रति और संगठन बिल्कुल एक, बस इसकी बड़ी चर्चा होती है देहरादून तक गली तक, बहुत कम जगह ऐसा होता है कि वहाँ के जो जनप्रति हो और संगठन के अंदर इतना अधिक समन्वय, जनप्रति की प्राथमिकता संगठन हो और संगठन के लिए हमेशा समन्वय के लिए जनप्रति उपयोग करते हैं, ये बड़ी आदर्श स्थिति है। आज इस स्थापना दिवस पर हमने संकल्प लिया है, अभी तक शक्ति केंद्र तक की हमारी घोषणाएं हो चुकी है, बूथों की बच्चों की भी घोषणाएं हो गई है, प्रत्येक बूथ तक, बूथ समिति तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी होने की जो नेम प्लेट, जो उस कार्यकर्ता का मान सम्मान है, वो प्रत्येक घर में इस माह के अंदर लगाई जाएगी। ये अपने यहां संकल्प चाहे मंडल का पदाधिकारी है, जिले का पदाधिकारी है, शक्ति केंद्र का पदाधिकारी है, मोर्चों का पदाधिकारी है या बूथ अध्यक्ष एवं बूथ समिति का कार्य, उसके घर के बाहर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वहां का नेता है, कमल के फूल का निशान,
उसके पद का दायित्व, ये उसकी था अपने घर में लगा, उसके अंदर उसके मान सम्मान रहता है, उसका स्वाभिमान रहता है और उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ये निरंतर लगता रहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता।